आज बच्चों मैं आप लोगों को अव्यय पढ़ाएंगे। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय का अर्थ, अव्यय का अर्थ होता है स्वरादि, स्वरादि निपात, निपात, निपातम अव्ययम। ठीक, अव्यय का अर्थ होता है स्वराद निपातम व्ययम। ठीक है, मतलब स्वराद, स्वर आदि का निपात, निपात का मतलब होता है जो शब्द व्यय ना हो, अर्थात लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। निपात का अर्थ यही होता है, मतलब निपात मतलब जिसका कोई पतन ना हो, अर्थात कोई बदलाव ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक, अव्यय का अर्थ जिन शब्दों का लिंग पुरुष वचन तथा विभक्ति के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक, मतलब अव्यय का अर्थ क्या होता है? स्वराद निपातम व्ययम, जिन शब्दों का लिंग, पुरुष, वचन, विभक्त के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे उदाहरण ले लीजिए, यदा, यदा का अर्थ होता है जब। ठीक है, यदा का अर्थ जब होता है। यदा का अर्थ होता है जब, जैसे को तो हिंदी में अनुवाद ले लीजिए, मैं जब राम के साथ घर जाता हूँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, मैं जब राम के साथ घर जाता हूँ, तो इसमें क्या राम के साथ, सा के योग में तृतीया होनी चाहिए, लेकिन जब यदा इसमें विभक्त के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये निपात होते हैं। ठीक, इनका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अहम, मैं की संस्कृत होती अहम यदा रामेण सा ग्राम गच्छामि, मैं जब राम के साथ घर जाता हूँ। अहम यदा रामेण सा ग्राम गच्छामि। ठीक, मतलब इसका क्या हुआ? जब जब ये अव्यय शब्द है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये निपात कहलाता है। जैसे जब है, यदा है, कदा है, सदा है, और भी अन्य है, कवचित, कत, कुत्रचित, ये सब अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अहम यदा रामेण सह ग्रहं गच्छामि, तो रामेण में जब तृतीया लगी है, इसमें भी तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन ये शब्द निपात अर्थात अव्यय है, तो इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, ना इसमें लिंग का परिवर्तन हो सकता है, ना पुरुषवाचक को, चाहे स्त्रीवाचक, चाहे पुरुषवाचक। ठीक है, और वचन, कोई
का एकवचन द्विवचन बहुवचन विभक्त कोई भी हो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ठीक है इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ये जो जो है वही रहेगा ठीक है अव्यय शब्द ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं ठीक अव्यय शब्द जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं इनके लगभग भेद चार होते हैं कौन कौन होते हैं अव्यय शब्द निम्न प्रकार के होते हैं मुख्यतः चार होते हैं कौन कौन होता है पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय ठीक पहला क्या है क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय जो होते हैं मुख्यतः चार प्रकार के बताए गए हैं क्रिया विशेषण संचय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक अव्यय चार प्रकार के बताए गए हैं पहला है क्रिया विशेषण अव्यय इसका अर्थ होता है जो शब्द क्रिया के साथ ठीक है जो शब्द क्रिया के साथ क्रिया के काल अर्थात होता समय ठीक है काल समय स्थान मतलब जगह ठीक है स्थान और रीति ठीक है रीति और परिमाण ठीक है आज में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग बताया गया ठीक है बताए जाते हैं ठीक है क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ होता है जो शब्द क्रिया के काल अर्थात समय स्थान रीति परिमाण बताए जाते हैं मतलब ठीक है इन शब्दों के साथ ये अव्यय शब्द होता है जैसे उदाहरण लीजिए ठीक यानी पहला क्या है क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के काल स्थान रीति परिणाम आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं जैसे यदा होता है ये क्या है समयवाचक जब मैं ठीक है जैसे उदाहरण ले लीजिए जब मैं घर जाता हूं तब वह आता है ठीक मतलब इसमें समय का बोध हुआ है किसी समय मतलब समय का बोध हुआ है कि समय का पता नहीं मतलब जब मैं घर जाता हूं तब वह आता है तो इसमें समयवाचक मतलब यदा ये यदा तदा और इदानीं तदानीं ये सब समयवाचक अव्यय कहलाते हैं ठीक है ये जब प्रयुक्त होते हैं तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं समयवाचक ठीक है तो इसका अनुवाद क्या होगा यदा अहम् गृहं गच्छामि ठीक है तदा सा
जब मैं घर आता हूं तब वह जाता है, ठीक है। यदा अहम् गृहं गच्छामि तदा सा आगच्छति, मतलब एक समय का बताया गया इसमें, ठीक है। जैसे इदानी, इदानी माने होता है इस समय, इदानी का अर्थ होता है इस समय, ठीक है। इदानी का अर्थ होता है इस समय, तो इस समय या अब, ठीक है, अभी, ये सब अर्थ होते हैं इदानी और अधुना, ठीक है, इनके अर्थ एक ही होते हैं। इदानी इस समय या अब या अभी, मैं अभी घर जाता हूं, ठीक है, वह अभी कार्य करता है, मतलब इस प्रकार के अनुवाद आए तो इसमें क्या होगा, अभी की संस्कृत इदानी प्रयुक्त करके हम इसमें प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण में का समय का बताया गया है, मैं घर जाता हूं तब वह आता है, यदा अहम् गृहं गच्छामि तदा सा आगच्छति, ठीक है। इदानी, ठीक है, इदानी का अर्थ होता है इस समय या अभी या अब। देखिए स्थान, स्थान वाचक होता है कदाचित, कदाचित, कदाचित का अर्थ होता है कभी, ठीक है। समय का देखा ये वाला यदा, और स्थान का देखिए कदाचित, वह कभी भी, यानी वह कभी वहां नहीं गया, मतलब वहां नहीं गया मतलब किसी स्थान पर नहीं गया, वह कभी उस स्थान पर नहीं गया, इस प्रकार बना बना सकते हैं। जैसे वह कभी उस स्थान पर नहीं गया, ठीक है। इसमें स्थानवाचक प्रयोग हुआ है, स्थान मतलब कभी उस स्थान पर नहीं गया, एक स्थान पर कभी नहीं गया, तो जाए या ना जाए, तो इसमें जिसमें स्थानवाचक शब्द का प्रयोग होता है कभी भी है, जैसे कदाचित है, कदापि है, और सर्वत्र, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जगह के स्थान पर। तो इसका अनुवाद क्या होगा, सा कदाचित उस स्थान पर, तो इसमें क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तस्मिन, तस्मिन स्थाने, ठीक, न आगच्छत, ठीक, मतलब स्थान का प्रयोग हुआ है, स्थान के प्रयोग में कदाचित और भी अन्य कदाचित, कदापि, कुत्रचित, कौचित, ये सब इसी प्रकार के अनुवादों में प्रयोग होते हैं स्थानवाचक में, ठीक है। अगला देखिए रीत, रीतवाचक में क्या होता है, जैसे रीतवाचक में सहसा, सहसा माने होता है अचानक, ये रीतवाचक के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोई रीतवाचक आ जाए अनुवाद तो उसमें क्या होगा, ये सहसा और एवं, एव, ये सब रीतवाचक में आते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है, सहसा माने होता है अचानक, वह अचानक भाग जाता है, वह जैसे वह अचानक चला जाता है, ठीक है, ये होते हैं सहसा माने होता है अचानक, वह अचानक चला जाता है, तो क्या होगा, सा सहसा और चल तुम और गच्छ, ठीक, ये अनुवाद हो गया, अचानक सहसा माने होता है अचानक, ये रीत में आता है, ठीक है। तो सहसा सा सहसा चल तुम गच्छ, वह चला जाता है, ठीक है, इस प्रकार से अनुवादों का प्रयोग होगा। अगला देखिए
का परिणाम है, इसमें आता है यावत तावत, ठीक है, ये होते हैं। यावत माने होता है उतना, तावत माने होता है, यावत माने होता है, यावत माने होता है जितना, इसका अर्थ होता है जितना, इसका अर्थ होता है उतना, ठीक है। ये परिणामवाचक में प्रयुक्त होते हैं। इनका अनुवाद बनाने में वह जितना कार्य करता है उतना पैसा मिलता है, ठीक है, वह जितना कार्य करता है उतना पैसा मिलता है, वह उत्साह जितना यावत कार्यम करोते, ठीक है, वह जितना कार्य करता है उतना तब तावत पाणम मिलत नहीं अर्थात प्राप्त मूर्ति, ठीक। सा यावत कार्यम करो तावत पाणम प्राप्त मूर्ति, वह जितना कार्य करता है उतना पैसा प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमार ये किसमें आते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देखिए दूसरा अव्यय, दूसरा अव्यय है संचय बोधक, संचय बोधक, ठीक। दूसरा है संचय बोधक अव्यय, पहला था क्रिया विशेषण पे, दूसरा है संचय बोधक अव्यय। जो शब्द, ठीक है, पदों और या वाक्यों को जोड़ने में काम करता है, संचय बोधक का अर्थ होता है जो शब्द, ठीक है, जो शब्द, जो शब्द पदों या वाक्यों वाक्यों को, ठीक है, जो शब्द पदों या वाक्यों को जोड़ने जोड़ने का कार्य करते हैं या करता है, ठीक है। संचय बोधक में क्या होता है, संचय बोधक जो शब्द पदों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं करता है, ठीक है, तो उसे हम संचय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, संचयबोधक का अर्थ क्या होता है, जो शब्द पदों और या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संचयबोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई संचयबोधक का अर्थ होता है चा है, तू है, ठीक है, ये त्रय, त्रय माने भी तू होता है, तो और आता और तथापि और यंत्र, ये शब्द हो गए, ठीक है। संचय बोधक का परिभाषा है जो शब्द पदों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, इसमें जैसे चा माने और, तू माने तो, त्रय माने तो, अता माने इसलिए, तथापि तथापि का अर्थ होता है, ठीक है, तथापि का अर्थ होता है फिर भी, यद्यपि माने होता है हालांकि, ठीक है। जैसे इसमें क्या बताएगा, जब पदों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, चा माने होता है, जैसे गाने, जैसे कोई गाने जी श्याम और राम, श्याम और राम भाई है, ठीक, श्याम और राम भाई है, उसने क्या किया और दोनों पदों का जोड़ने का कार्य कर दिया, जोड़ने की
काल में हम समचबोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे श्यामा, रामा, चा, भ्राता, अस्तु। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें चा जो है ये और का को उच्चारित करता है, ठीक है, तू, तू माने होता तो, वह तो मेरे साथ जाता है, वह तो मेरे साथ जाता है, तो इसमें क्या तू का प्रयोग होगा, तो, ठीक है, अतः माने होता इसलिए, ठीक है, वह मेरे साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका कार्य पूर्ण था, ठीक है, तथा माने होता फिर भी, यद्यपि माने होता हालांकि, ठीक है, इन शब्दों में हम कौन सा होता है समचयबोधक, समचयबोधक की परिभाषा यानी पदों और वाक्यों के जोड़ने के कार्य में किया जाता है, ठीक है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, बताया गया है श्याम और राम भाई हैं, ठीक है, श्यामा रामा चा भ्राता अस्तु, श्याम और राम भाई हैं, ये समचयबोधक के अंतर्गत आ जाते हैं, ये सब अन्य भी हैं। ठीक, अगला देखिए, तीसरा होता है संबंध संबंध बोधक, ठीक, पहला कौन था क्रिया विशेषण, दूसरा था समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, ये अव्यय कहलाते हैं, इसमें होता है जब शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों के परस्पर संबंध भाव को दर्शाते हैं, ठीक है, जो शब्द ठीक, जो शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों के परस्पर मतलब परस्पर माने होता है एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। ठीक, जो शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों के एक दूसरे मतलब परस्पर संबंध दर्शाते हैं तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों के एक दूसरे अर्थात परस्पर संबंध दर्शाते हैं तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसके प्रकार है जैसे संबंध बोधक के उदाहरण देखिए, एक संबंध बोधक के यथा यथा, ठीक है, यथा यथा इसका अर्थ होता है जैसे जैसे, ठीक, जैसे जैसे यथा यथा जैसे जैसे, ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं, जैसे जैसे वह मेरे साथ जैसे जैसे बढ़ता है आगे यथा यथा वैसे वैसे चलता है, ठीक है, तो यह बात मान लीजिए है वह जैसे वह मेरे साथ जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे उसका कार्य पूरा होता है, तो इस प्रकार के अनुवाद जो, ठीक है, यथा तथा, ठीक है, तथा इसका अर्थ होता है वैसे वैसे, ठीक, वैसे वैसे,
यथा माने जैसे जैसे तथा माने तथा तथा माने मतलब वैसे वैसे जैसे कदा कदा जब जब ठीक है। इस प्रकार के पद संबंध बोधक अव्यय शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। अगला चौथा नंबर है विस्मय बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक जो शब्द विस्मय, ठीक है, जो शब्द विस्मय निराशा निराशा दुख सुख हर्ष, अगला है विषाद, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं, जो शब्द विस्मय निराशा दुख सुख हर्ष विषाद आदि शब्दों का में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे भो, ठीक है, और किसी की शाबाशी अर्थात प्रशंसा करने पर उसमें भी प्रयुक्त होता है विस्मय बोधक शब्द। तो कौन कौन है, शोभनम बाणम शब्दों का प्रयोग भी विस्मय बोधक होता है। अरे वो शोभनम माने तो बहुत अच्छा, बाटम माने भी बहुत अच्छा होता है। इन शब्दों का प्रयोग विस्मय बोधक अव्यय शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अव्यय शब्द पूरे हो गए।